मैं आनंद फिदेल साहब के सामने फिर प्रस्तुत हूँ कक्षा 7 को लेकर के। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे अनुशासन, अनुशासन यह हमारा तीसरा वीडियो है इस पाठ के अंतर्गत। तो हम देखेंगे पेज नंबर, अगर आप किताब को ले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पेज नंबर 30 में हम लोग देखेंगे तीसरा पैराग्राफ और वहां से हमें पढ़ना था। तो हम जानेंगे कि साधारण भाषा में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कौटुंबिक तथा अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था का अनुसरण और पालन करना अनुशासन है। यानी कहने का अर्थ यही है कि साधारण भाषा के तौर पर अगर हम जाने तो राज्य में जितने सारे नियम होते, अगर आप राज्य में हैं, जिले में हैं, तो उनके नियमों का पालन करना, समाज में रह करके उन सामाजिक नियमों का पालन करना, और धार्मिकता के आधार पर भी बहुत सारे नियम होते हैं उनका पालन करना, और उससे हमारा जो जीवन जो होता है, एक परिवार जो होता है, एक समृद्ध परिवार बनता है। किसी प्रकार की व्यवस्था का अनुसरण करना, यानी जो भी व्यवस्था आपको दिलाया जाता है उसको पूर्ण रूप से उसको निभाना, यह बहुत ही जरूरी है, और उसका पालन करना, ये सब अनुशासन के अंतर्गत आते हैं। बच्चे ध्यान देंगे कि शरीर की दुर्बलताओं और मानसिक असावधानियों पर विजय पाने को भी अनुशासन कहते हैं। यहाँ पे दुर्बलता यानी कमजोरी शब्दार्थ में हम देखेंगे, शब्दार्थ में दुर्बलता यानी दुर्बल का अर्थ होता है कमजोर। यहाँ पे दुर्बल जोड़ता मिलकर के दुर्बलता बना हुआ है। जोड़ता मिलकर के दुर्बलता, और यहाँ पर ये ता जो है हमारा क्या है, प्रत्यय है, और ये दुर्बल जो है मूल शब्द है, मूल शब्द के अंतर्गत आता है। तो आप प्रत्यय के बारे में भी जान चुके हो। तो यह कहा गया है कि शरीर की दुर्बलताओं और मानसिक असावधानियों पर विजय पाने को भी अनुशासन कहते हैं। यानी वैसे व्यक्ति जो अपनी शारीरिक कमजोरियों पर भी विजय पा लेता है, यानी शारीरिक रूप से वो बहुत ही कमजोर है, लेकिन उस पर ही वो दृढ़ रहता है, अडिग होकर के उस पर अपने वर्चस्व को कायम कर लेता है, और मन में उत्पन्न होने वाली बहुत सारी जो चीजें हैं उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो वो अनुशासन के अंतर्गत आता है। बच्चों, हम लोगों ने बहुत सारे बातों को, सिर्फ अनुशासन के बारे में बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने जाना। आगे देखेंगे कि सब प्रकार की विविध और अनुगमन और निषेध का प्रतिरोध अनुशासन कहलाता है। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी होती, छोटी छोटी चीजें होती है जिसको हम लोग रोकते हैं, यानी उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तो वो भी अनुशासन कहलाता है। यहाँ पे निषेध का अर्थ होता है रोक, आप जान जाओगे निषेध का अर्थ होता है रोक, आप लिख सकते हो मना करना, या बहुत सारी जगह पर लिखा रहता है कि निषेध, यानी यहाँ पर जाना उचित नहीं है। आजकल यह सब तरुणों के संबंध में और विशेषकर विद्यार्थियों के संदर्भ में खूब प्रयुक्त है। बच्चों ध्यान देखेंगे, तरुण का अर्थ होता है, तरुण का अर्थ यहाँ पे है युवा, युवा बहुत सारे युवागण हमारे देश में है, तो उनके लिए यह भी बताया गया है कि आजकल यह शब्द तरुणों यानी युवा के संबंध में और विशेषकर विद्यार्थियों के संबंध में खूब प्रयुक्त हुआ है, यानी अनुशासन के रूप में देखा गया। छात्रों में जो उच्च श्रृंखलता की भावना यत्र तत्र दिखाई दे जाती है, उसी के आधार पर वे बड़े से बड़े व्यक्ति केवल एक बात कह दिया करते हैं कि छात्रों में आजकल अनुशासनहीनता प्रवेश कर गई है। यहाँ पर एक शब्द है उच्च श्रृंखलता, यानी यहाँ पर इसका अर्थ होता है निरकुंशता। यहाँ पर देखेंगे उच्च श्रृंखलता, इसका अर्थ होता है निरकुंशता। निरकुंशता यानी निरकुंशता का अर्थ शाब्दिक अर्थ अगर हम जाने तो जिसके लिए
जिसके लिए कोई रुकावट न हो, यानी कोई भी बिना रुकावट को देखे हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो यह सारी चीज छात्रों में और युवा वर्गों में ज्यादातर देखा जाता है। यह देश के लिए घातक है, यानी अपने मन से जो भी कार्य करें वो क्या है, हमारे देश के लिए घातक है। लेकिन जब हम नियम के अनुसार अगर कार्य करते हैं तो हमारे लिए वो घातक सिद्ध नहीं होते हैं। आगे देखेंगे, उस श्रृंखलता समाज के सभी अंगों के लिए घातक है, यानी कहने का अर्थ है जिसके लिए को रुकावट न हो, जिसके लिए कोई रुकावट न हो, समाज के सभी अंगों के लिए घातक है। सभी को अनुशासित रहने का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, यानी सिर्फ युवाओं को नहीं बल्कि छात्रों को और जितने सारे माता पिता भी हैं उनको भी यह पाठ जानना जरूरी है कि वो क्या है, अनुशासन में रहे। आगे भी हम देखेंगे कि माता पिता के बारे में भी बहुत सारी बातें कही गई है। तो अगर हमारे माता पिता भी देखते होंगे, आपके माता पिता भी देखते होंगे इस वीडियो को, तो उनके लिए भी काफी जरूरी है। तरुण निर्मल दर्पण है, यानी कोमल दर्पण, उन पर बाहरी परिवर्तन बहुत शीघ्रता से प्रभाव डालते हैं, यानी जो बाहरी जो है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमारे लिए जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत अधिक पड़ता है। साथ ही साथ तरुणों की वृत्ति बंधनों के प्रति क्रांति करने की होती है। युवागण जब भी चाहते हैं बहुत सारे गलत चीजों को अपना करके उसमें क्रांतिपूर्ण लाते हैं, वे चाहते हैं कि नहीं यही सही है। आपके बड़े बड़े भैया लोग या दीदी लोग अगर कोई किसी गलत कार्य को करते हैं तो वो कहते हैं नहीं यही सही है, उन पर विशेष बल देते हैं। उनमें बुद्धि की वह परिपक्वता भी नहीं होती है, यानी युवा गणों में छात्र गणों में वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं। और हमारे माता पिता जो होते हैं पूरी तरह से परिपक्व होते हैं, वो क्या कहते हैं, अनुभवी होते हैं। और यहाँ पे कहा जाता है कि वो अनुभवी होते हैं, इसीलिए वो हमेशा हमें सिखाते हैं कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। वे भला बुरा समझ सके और बाहरी दूषित प्रभाव से बच सके, यानी जो परिपक्व नहीं है उनको समझना चाहिए कि भला क्या है, बुरा क्या है, क्या बाहरी दूषित हम पे किस प्रकार प्रभाव डाल रही है। समाज की क्षुद्रता उन्हें क्षुद्र बना डालती है, यानी समाज की क्षुद्रता अर्थात क्षुद्र अर्थात नीचा, यानी गलत कार्य जो है उन्हें नीचा दिखा सकती है। जिस प्रकार का समाज आज भारतवर्ष में फल फूल रहा है, तरुण उनके नितांत मेल में है, यानी जो भी युवा गण है उनसे क्या है, जुड़े हुए हैं। यदि हम उसे सुधारना चाहते हैं और उसे अनुशासित रखना चाहते हैं तो केवल अनुशासन जीवन के मोह से उसे अच्छा नहीं बनना चाहिए, यानी सीधा क्यों कहने का अर्थ है सिर्फ अनुशासन के तौर पर ही सीधा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए भी उसे आगे बढ़ना चाहिए। उसके समक्ष उदाहरण है, रखने होंगे माता पिता अपने जीवन में आदर्श उतारे, यानी ज्यादातर देखा जाता है कि माता पिता के व्यवहार को बच्चे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, युवागण ग्रहण करके अपने मनोवृत्तियों में बदलाव लाते हैं और उसी तरह से वो कार्य करते हैं। बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आपको ये बताया जा रहा है कि जितने सारे शब्दार्थ या जितने सारे शब्द इसमें आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय अलग करने के लिए, आप उसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।